हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस किए थे और उस पर क्वेश्चन किए थे। इफ यू रिमेम्बर, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था हम लोगों ने बात किए थे कि इश्यू ऑफ शेयर्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ना है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब हमने देखे तो जो मार्केट में आप शेयर्स अलॉट करते हो, फिर उससे एप्लीकेशन पे कुछ अलॉटमेंट पे कुछ कॉल पे पैसा आता है। फिर एक कंसेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े फोर फीचर ऑफ शेयर। व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स? कि हमने जो शेयर्स इशू करे उसके पैसे जब हम बुला रहे अलॉटमेंट पे या कॉल पे तो वो शेयर होल्डर वो पैसे नहीं दे पा रहे, तो उन शेयर्स को क्या करते थे? फोरफीट करते थे। अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज रीइशू ऑफ शेयर। सो रीइशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। सो सपोज ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, ओके ये कंपनी के डायरेक्टर्स, जस्ट गिव मी वन, ओके अब ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, इन्होंने पहले क्या करे मार्केट में शेयर्स इशू करे। अब जब मार्केट में शेयर्स इशू करे तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा टाइम पर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं गई हम लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को हम पैसा बुला रहे तो वो पैसा नहीं दे रहे हम लोगों को। अब जैसे यहां पे मैं कहता हूं ये है आपके, मैं हेडिंग दे दूं यहां पे रीइशू ऑफ शेयर, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस आपको मेरी बात सुनना रहेगा, रीइशू ऑफ शेयर। अब मार्केट में हम लोगों ने यहां पे शेयर्स को इश्यू करे, ठीक है, तो ये आपने मार्केट में शेयर्स इश्यू करे, सपोज ये मिस्टर ए को हमने शेयर्स इश्यू करे, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये है मिस्टर ए जो कि कौन है बच्चे, शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर को जब हमने शेयर्स इश्यू करे तो एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मिस्टर ए ने दिया, अलॉटमेंट पे बुलाए तो नहीं दिया, ये वो दे दिया तो कॉल का पैसा हमको उसने नहीं दिया, इस वजह से हमको इसके शेयर्स क्या करना पड़ा बच्चों, फोरफीट करना पड़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके शेयर्स फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर्स को फोरफीट करने के लिए क्या कहा उसने, फोरफीचर ऑफ शेयर्स उसने अपने को, हमने उसके शेयर्स फोरफीट करे। क्यों? क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट या कॉल के पैसे नहीं दिया, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखे थे उन शेयर्स को फोरफीट करते, क्या करते वापस ले लेते। अब जब आप शेयर्स को वापस ले लेते बेटा सो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने ख्याल रखना। अब यहां पर प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि इंपॉर्टेंट चीज ख्याल रखना, जब आपने एंट्रीज पास किए थे ना बेटे, ये जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इसको ख्याल रखेंगे कि जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट होता है इसमें अपन कौन सी चीज लेकर जाते हैं, जो पैसा अपने को मिला है ना, प्रीवियस सेशन में आपको सिखाया था, काफी डिस्कशन हुआ था, ये फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में क्या लेकर जाते, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ बेटा उसको हम फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट ले। तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर जब शेयर्स आप फोरफीट करते हो तो जो पैसा हमको ऑलरेडी मिल चुका है उसको हम फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में लेके जाते, तो क्या जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर आप फोरफीट कर रहे हो उसको पैसा वापस नहीं देना होता है क्या? नहीं देना होता है। कंपनीज एक्ट कहती है जो उसने पैसा दिया है एप्लीकेशन का, सपोज 2 रुपए दिया और उसके आगे के पैसे नहीं दिया तो आपने शेयर फोरफीट कर लिए उसके, तो क्या 2 रुपए हमको वापस करना होता है? आंसर इज नो, वो 2 रुपए हमको वापस करना नहीं होता। तो हम एक अकाउंट में लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं फोरफीटेड शेयर अकाउंट। तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट का यहां पर भी कुछ डिस्कशन होगा, वो क्यों हम क्रिएट करते और उसके बारे में अभी हम लोग यहां पे अभी आगे बात करेंगे। अब शेयर्स यहां पे इश्यू करा गया, हमने शेयर होल्डर को दी, इसने हमको पैसा नहीं दे पाया तो हमने इसके शेयर्स फोरफीट करे। अभी डायरेक्टर चाहती कि मार्केट में क्यों ना इन शेयर्स को हम लोग क्या कर दे बच्चों, मार्केट में हम इसको रीइशू करें। रीइशू का मतलब है जो शेयर्स हमने फोरफीट करे, जो शेयर्स हमने फोरफीट करे उन शेयर्स को हम किसी और को दे देते, उसको हम कहते हैं रीइशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर। तो ये सपोज है बच्चों मिस्टर बी, ये कौन है मिस्टर बी, तो आपको क्या करना है यहां पे, यहां पर हम लोगों को रीइशू ऑफ शेयर्स मतलब जो शेयर्स हमने यहां पे फोरफीट करे इन शेयर्स को हम क्या कर देंगे बेटा, रीइशू करें। लेकिन जब आप रीइशू ऑफ शेयर्स करते हो तो मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं बेटा, कंपनी इसकी क्या एंट्री पास करती होगी। अब कंपनी के पास रीइशू करे तो पैसा आया तो कंपनी एंट्री पास करेंगे इसकी बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मैं लिख भी देता हूं, जब रीइशू करते तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, सो एंट्री पास करते हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट
फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, दो मिनट पेशेंस रखेंगे। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको अच्छे से आपने समझना मेरी बात को बेटे। अब यहां पे मैंने कहा कि मैंने जब शेयर्स को रीइशू करा तो मेरे पास यहां पे शेयर्स आए वापस, मैंने फोरफीट कर मार्केट में किसी और को बेच दिया। सपोज मिस्टर ए से शेयर्स लिया और यहां पे मार्केट में मिस्टर बी को हमने शेयर्स बेच दी बेटा, तो मेरे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को आपने क्यों डेबिट कर। अब देखो यहां पर वो सब नहीं होता कि एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, कॉल पे आ रहा है, क्योंकि आपके मार्केट में अभी क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो रही एप्लीकेशन पे। आप पहले ऑफर दे रहे हो, फिर एप्लीकेशन पे पैसा आ रहा है, फिर अलॉटमेंट पे बात नहीं, नहीं, नहीं। वो सब ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ये तो किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, तो इन शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रीइशू कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस डायरेक्ट एक बार में पैसा हम बुला रहे हैं। तो आपने कुछ एप्लीकेशन पे, सॉरी, आपने एक बार में पैसा बोला, आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल आप बोलो सर एंट्री सिंपल सी पास कर दी, नो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, जस्ट एक बार में पैसा बुला रहे, जैसे उसको शेयर दे रहे पैसा बुला ले रहे। तो अब एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट, आपके एंट्री पास करे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आता है कि पैसा आया और कैपिटल बढ़ा, तो इंक्रीज, आप पैसा बढ़ा तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया, अब आपका इंक्रीज इन कैपिटल आपने उसको क्रिएट कर दी। बट व्हाट इज दिस फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट? इफ यू रिमेंबर, जब फोरफीचर ऑफ शेयर्स हमने प्रीवियस सेशन में जब पढ़े, तो जो भी पैसा आ जाता है उसको एक अकाउंट में लेके जाते हैं, उस अकाउंट को कहते हैं फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। अब पहली चीज, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जो पैसा आ जाता है उसको हम उसको कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं, एंट्री पास करते बेटा, हम एंट्री कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। जो अमाउंट ट्रांसफर जितना हमको रिसीव हुआ उसको हम फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में उतना अमाउंट लिखते हैं। अब क्या होता है बेटा, वो पहली चीज आप बोलोगे नहीं सर फोरफीटेड शेयर्स के बदले हमने तो शेयर होल्डर को वापस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या मिस्टर ए से शेयर आपने फोरफीट करे तो मिस्टर ए को वापस करना था यहाँ पे। द आंसर इज नो। जो पैसा इस, आई नो कि एप्लीकेशन का पैसा बोला, अलॉटमेंट का पैसा बोला, कॉल का बोला। फॉर एग्जाम्पल, इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ना ही तो इसने कॉल का पैसा दिया। तो आप बोलेंगे सर फोरफीट कर रहे, तो समझ में आता है कि आप उसके शेयर वापस ले ले रहे, लेकिन उसने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो तो उसको वापस दे। तो आंसर इज नो, कंपनी एक्ट कहते हैं देने की जरूरत नहीं, जब्त, वो अपना पैसा हो गया कंपनी का। तो फिर आप इस चीज को सोचो बेटा, जो अपना पैसा हो गया तो वो पैसा कोई क्या, फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस कंपनी, तो मुकेश अंबानी का एक काम है कि लोगों के शेयर फोरफीट करना, और वो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में उसका नेचर ऑफ बिजनेस वो है क्या? नहीं। तो आप कहोगे जब फोरफीटेड शेयर अकाउंट आपने क्रिएट करे तो ये तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों कैपिटल नेचर का? वो पैसा तो आपका हो गया ना, वापस नहीं कर रहा जो एप्लीकेशन पे पैसा की, अब वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया बेटे। तो आप कहोगे सर कैपिटल नेचर का मतलब जो आपके रेगुलर नेचर और रेगुलर जो बिजनेस का जो आप नेचर जिससे रेवेन्यू जनरेट करते उससे नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रिलायंस पेट्रोलियम, उसका नेचर ऑफ, उसका कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? पेट्रोल बेचने से कर रहा है। फोरफीटेड शेयर्स करने से, जो फोरफीटेड उसने जो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, हमने शेयर्स को फोरफीट कर लिया, पैसे हमने रख लिए, तो वो कहीं उसका रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस में है क्या? वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा नहीं, तो उसको हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब अब थोड़ा सा अपने को, अपन थोड़े से ऊंची बात करें तो अच्छे से समझना बेटा। तो जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, जो अमाउंट रिसीव आपने लेके गए, तो पहली चीज मैंने क्यों शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट नहीं, आपने बोले सर वापस करो, नहीं करना उसको। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है कि वापस देने की जरूरत नहीं, वो कंपनी का पैसा हो गया, तो ये हमारा पैसा हो गया, कंपनी का पैसा हो गया, जो दो रुपए एप्लीकेशन पे उसने दिया था। अब वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे रेगुलर जो बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ बेटा, उसमें से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो यहां पर जो आपका फोरफीटेड शेयर अकाउंट जो है बेटा, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट जो है, तो ये यहां पे डेबिट क्यों करा गया? अब देखो वहां पे जब उसको क्रेडिट करा गया था, जब वहां पे जब उसको क्रेडिट करा गया था, तो आपने क्या किए थे वहां पे, जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ था, अब आपने उसको उस अकाउंट में लेकर चले गए, वो कैपिटल नेचर का। तो शायद आपके में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर अगर कैपिटल नेचर का है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें। ये आपके नई चीज है फाउंडेशन के बच्चे अभी आप लोग, कि जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में मैंने उसको ट्रांसफर करना चाहिए था, आप में शायद ही कोई सोच रहा हूं कि अभी फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैपिटल नेचर का दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आप कहेंगे सर आपने तो परसों सिखा है, जब आप मुझको हम कल परसों जब भी आपने पढ़े हो, आप सोच रहे होगे कि सर आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ तो ये शेयर होल्डर को वापस नहीं देना, आपने कोई एप्लीकेशन का पैसा जैसे रिसीव हुआ था ये शेयर होल्डर को वापस नहीं देना, तो आपने फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में उसको लेकर गए, यस लेके गए। अब ये फोरफीटेड शेयर तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था, यस, तो इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल, इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल, जो कि सही बात है।
लेकिन मैंने यहां पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी नहीं लिखा, मैंने तो यहां पर लिखा फोरफीटेड शेयर अकाउंट। एक्चुअली इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन मैंने यहां पर लिखा फोरफीटेड शेयर। ऐसा क्यों, क्यों मैंने यहां फोरफीटेड शेयर लिखा, क्यों नहीं कैपिटल रिजर्व लिखा? द आंसर इज दैट किसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, इसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा बेटे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद। तो ये आप फोरफीचर ऑफ शेयर्स वाली स्टेज पे थे यहां पे, इसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे लेकिन कुछ समय बाद इसको कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर करेंगे। ऐसा क्यों वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मेरे पास जो अमाउंट आ चुका है वो मैंने कौन सा अकाउंट में लिखा, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, इसको कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर करेंगे। अब क्या हुआ यहां पे कि यहां पर मैंने फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में डेबिट करा, क्यों कि तो आपने शेयर्स में एप्लीकेशन का पैसा दिए, अलॉटमेंट कभी दिए, कॉल का नहीं दिए, तो मैंने आपके शेयर्स फोरफीट कर लिया। अब आपने मेरे को कुछ पैसा तो दिए ना, सपोज एग्जांपल, सब एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था, आपने 6 रुपए मेरे को दे दिए थे, लेकिन आपने 4 रुपए नहीं दिए, तो मैंने शेयर्स फोरफीट करो, वो 6 रुपए में मुझे आपको वापस नहीं देना, कंपनी एक्ट के हिसाब से मुझे आपको वापस नहीं देना, वो 6 रुपए मेरे हो गए। वो 6 रुपए किसके हो गए बच्चों, 6 रुपए मेरे हो गए, वो 6 रुपीज मेरे हो गए। जब वो 6 रुपए मेरे हो चुके हैं बेटा, तो वो कैपिटल नेचर का मेरा प्रॉफिट है। जब मैं रीइश्यू कर रहा हूं मार्केट में, किसी और को शेयर्स बेच रहा हूं, तो मैं जब मार्केट में शेयर्स अपने बेच रहा हूं, मार्केट में जब शेयर्स अपने मैं बेच रहा हूं बेटा, तो क्या चीज होगी यहां पे, मार्केट में शेयर्स जब अपने मैं बेच रहा हूं बेटा, तो रीइश्यू कर रहा हूं, वापस मैं किसी को बेच रहा हूं, तो क्या मैं उसको कम कीमत पे बेच सकता हूं? द आंसर इज यस। व्हाट डू मीन बाय कम कीमत पे बेच सकता हूं? मैंने कहा बेटा कि 10 रुपए का, यहां पर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, अब समझे। मैंने कहा कि 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था। अभी 10 रुपए में से, 10 रुपए में से मैंने 2 रुपए एप्लीकेशन पे बुलाया, अलॉटमेंट पे सपोज 4 रुपए और कॉल पे 4 रुपए, ये उसने पे किया, ये उसने पे किया, उसने यहां पे कॉल के पैसे नहीं दिया, तो मैंने फोरफीट कर लिया। लेकिन मुझे यहां पर ये 2 रुपए और ये 4 रुपए तो आए है ना, ये 2 रुपए और ये 4 रुपए तो आए कि नहीं आए, आए है ना, तो ये 2 रुपए और ये 4 रुपए आए हैं, तो मैंने शेयर्स फोरफीट करा। तो जब यहां पे फोरफीचर की एंट्री जब यहां पे पास हुई होगी बेटा, तो मैंने फोरफीचर अकाउंट में कितना लेकर गया हूं, मैंने फोरफीचर अकाउंट में लेकर गया हूं कितना, ये 6 रुपए जो पैसा है, इसकी एंट्री अगर अपन यहां पे पास करो तो क्या एंट्री पास होगी यहां पे, ये एंट्री आपको ऑलरेडी पता है, ये क्या एंट्री पास होगी आपकी, आपने एंट्री पास करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप 10 रुपए टू शेयर कॉल अकाउंट जो पैसा नहीं आया ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4 रुपए और फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट जो पैसा आ गया, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट जो पैसा आ गया वो कितना है 6 रुपए। तो अब फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को मैंने यहां पे क्या किया था, क्रेडिट किया था, और ये जो है ना ये मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का, ठीक है। अब ध्यान से अब क्या हो रहा है यहां पे, मैंने उसको क्रेडिट किया, इसको मैंने क्या किया यहां पे, क्रेडिट किया था, ये आपको पता है। अब मेरे पास तो देखा जाए तो मैंने जब इसको 6 रुपए तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके जो शेयर्स मैं मार्केट में रीइश्यू कर रहा हूं, मैं तो भाई यहां पे मिस्टर बी को बेच रहा हूं जो शेयर्स बेच रहा हूं मैंने किसी और को वो पहले इश्यू किया था, तो भाई मैंने पहले किसी जब किसी और को इश्यू किया था उस शेयर्स को मैं रीइश्यू कर रहा हूं मार्केट, वापस किसी को बेच रहा हूं, तो जब फोरफीट किया था उसमें ऑलरेडी मेरे को 6 रुपए पहले आ चुका है, तो मैं जब रीइश्यू करूंगा तो मैं इसको कम कीमत पे भी बेच सकता हूं, सपोज फेस वाली 10 रुपए, तो मैं इसको 6 रुपए तक के का डिस्काउंट दे सकता हूं। अब कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते, नहीं नहीं सर आप कैसे उसको डिस्काउंट में दे सकते हो, मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं दे सकते आप, नहीं नहीं कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता डिस्काउंट में शेयर्स देना, आप बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन बेटा डिस्काउंट का मतलब हो रहा है कि यहां पे मैं कम कीमत पे जो दे रहा हूं उतना पैसा ऑलरेडी मेरे को पहले आ चुका है, मैक्सिमम उतना मैं कम कीमत पे दे सकता हूं, तो जो शेयर्स मैं दे रहा हूं यहां पे इसमें तो ऑलरेडी मेरे को 6 रुपए पहले मिले ना, जब मैंने किसी और को बेचा था उसको फोरफीट कर लिया मैंने, तो 6 रुपए बेचारे ने दिया था, मैंने उसको वापस नहीं दिया, तो 6 रुपए मेरे को मिले ना, मिले कि नहीं मिले, वो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है 6 रुपए आपको, अब वो शेयर किसी और को बेच रहा हूं तो 6 रुपए मिल चुके, तो अगले को मैं 6 रुपए कम कीमत में बेच सकता हूं, 6 रुपए कम कीमत तक के का बेच सकता हूं, और डिस्काउंट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे केस में 6 रुपए, तो 6 रुपए की ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता कि 6 रुपए आपको रिसीव, तो 6 रुपए तक के का मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूं। तो जो आप कम कीमत पे देते हो ना बेटे, जो आप कम कीमत पे दे रहे हो उसको आप फोरफीटेड शेयर्स के यहां पे उसको डेबिट करते डिस्काउंट। अब ये इसको प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैंने डेबिट किया और मैं बार बार कह रहा हूं ये डिस्काउंट का ऐसा मत इंटरप्रेट आपने करना प्लीज, ऐसा मत इंटरप्रेट करना कि आप कंपनीज एक्ट कहता है ना फेस वैल्यू से कम पे आप नहीं बेच सकते हो, सही कहता है, लेकिन बेटा आप ये जो आपको यहां पे सपोज 4 रुपए आ रहा है, आपको यहां पे 4 रुपए आ रहा है, यहां पे 4 रुपए आ रहा है ना, यहां पे 4 रुपए आ रहा है,
क्योंकि आपने सर 6 रुपए का डिस्काउंट दे, तो 4 रुपए तो पहले आपको 6 रुपए आ चुके ना, ये इससे 6 रुपए टोटल 10 रुपए आए ना। तो जितना पैसा आपको उससे आए मैक्सिमम उतना डिस्काउंट अपन यहाँ पे दे सकते, समझ में आई चीज। अब यहाँ पे आपको जब पैसा आपने फोरफीटेड शेयर अकाउंट में ले गए थे, अब मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आपने 6 के बदले 2 रुपए का डिस्काउंट दिए, 3 रुपए का डिस्काउंट दिए। अब क्या होता है, इसके बाद जो अपने को नेक्स्ट एंट्री पास करना पड़ता है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट है, आपको समझाने के लिए मैं बनाता हूं। ये आपका फोरफीटेड शेयर अकाउंट, तो मैंने ये फोरफीटेड शेयर अकाउंट बनाया बच्चों, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ये फोरफीटेड शेयर अकाउंट मैंने बनाया, मैं कहता हूं मैंने आपने बच्चों यहां पे क्या किया, इसको क्रेडिट करे, तो यहां पे आपने इसको क्रेडिट करे और आपने रीइश्यू के वक्त इसको डेबिट करे, तो यहां पर जो बैलेंस आ रहा है, हो सकता है कि बैलेंस इसका कोई आए, है ना, आपने जरूरी नहीं पूरे के पूरे अमाउंट का ही आपने डिस्काउंट दे दिए, यहाँ पे 6 रुपए आपको आए, 6 रुपए आपको यहां पर फोरफीटेड शेयर्स में, तो यहां पे हो सकता है 2 का डिस्काउंट दिए, 3 का दिए, तो बैलेंस आएगा ना इसका, तो यहां पे जो बैलेंस है इट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पहले अपन ने कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ये रीइश्यू के वक्त भी उसी को डेबिट, उसी में से एडजस्ट करते हैं आप, ठीक है। और जो फिर बैलेंस बचता आपका फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, फोरफीटेड शेयर्स को आपने क्या किया बच्चों यहां पर डेबिट, तो फोरफीटेड शेयर्स को आपने क्या किया डेबिट, तो एंट्री विल बी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नाउ द बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन इसमें ना बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर यहां पे, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं लिखता हूं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये क्वेश्चन आता है कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, कि जितना आपका बैलेंस यहां पे बच रहा है फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में, क्या पूरे के पूरे बैलेंस को अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, द आंसर इज नो, डिपेंड सिचुएशन के ऊपर। आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई जो अभी स्क्रीन पे मैंने जितनी अभी यहां पे आपसे कहा, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे कहूं, और जो मैं तरीका बताऊंगा बस वो तरीके को अपनाए रखना बेटा, अपनाए रखना, ठीक है। पहले एक सीपीटी फाउंडेशन नहीं होता था, बीट 2018 के पहले सीपीटी होता था, तो सीपीटी में बहुत बार पूछता था, ये एमसीक्यू बेस रहता था, पूरा अकाउंट 60 मार्क्स का, बहुत बच्चे 60 में से 60 अकाउंट्स में लेकर आते थे, 60 मार्क का होता था वो टोटल, 200 मार्क्स का टोटल पूरे पेपर होते थे, एमसीक्यू बेस रहते थे, 100 लाना रहता था, तो अकाउंट्स आपका होता था 60 मार्क्स का, 200 में से। अब बहुत बच्चे 60 में से 60 लाते, तो उसमें उस वक्त ये बहुत पूछता था कि बताओ कि फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। अब आपको ऑब्वियसली एमसीक्यू नहीं आते, लेकिन अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एंट्री पास कर रहे हैं ना, अब उनको ना मैं उसमें एक तरीका सिखाता था। अब ये जो तरीका सिखा रहा हूं ना, ये कहीं पर कोई बुक में, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको। अब मैं जब सोचा करता था कि बच्चों को ऐसा कौन सा तरीका मैं बताऊं कि उन लोगों की एमसीक्यू में गलती ही ना हो, तो उसका एक ये मतलब किस तरीके से इसको, तो मैं जब सोचता था कि कैसे बताऊं, तो इसके कुछ स्टेप्स मैंने उसी वक्त बनाया था, तो वो स्टेप्स में अभी भी आपको भी बताता हूं, और आप में भी जब अपन मेन क्वेश्चन करेंगे बच्चों कितना अपने को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा फोरफीटेड शेयर से, वो मैं यहां अभी स्टेप्स लिख दे रहा हूं, लेकिन बेटा उसको एक्सप्लेन कब करूं, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा वहां पे अमाउंट रहेंगी मेरे सामने, तो स्टेप्स आपको फॉलो करना रहेगा। तो दो सिचुएशन हो सकती है, व्हेन ऑल फोरफीटेड शेयर्स आर reissued, when all forfeited shares are not reissued, तो यहां पे सारे के सारे reissue हो रहे, यहां पे सारे के सारे reissue नहीं हो रहे। तो अब आपने पूरे के पूरे अगर forfeited shares जो थे, मतलब आपने यहां पे सब 100 shares forfeit करे, 100 शेयर सपोज आपने फोरफीट करे, तो पूरे 100 के 100 आपने क्या कर, 100 शेयर आपने यहाँ पे फोरफीट करे, पूरे के पूरे 100 आपने क्या कर दिए बच्चों, रीशू कर दिए। तो ये सिचुएशन ई
फॉर सिचुएशन। अब ऐसा हो सकता है कि हमने 100 शेयर्स रीइशू करें, सॉरी फोरफिट करें, और रीइशू 80 करें, मतलब आप पूरे के पूरे रीइशू नहीं करते। तो दो सिचुएशन हो सकती है कि आपने पूरे फोरफिटेड शेयर्स क्या रीइशू करें कि पूरे नहीं करें। तो आपकी पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। ओके, स्टेप 2, अमाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइशू। स्टेप 3, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। ओके, ध्यान से, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। अब देखो ये तीन स्टेप यहां पे, डोंट वरी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। अब मैं यहां पे, इसमें चार स्टेप यहां पे रहती है, स्टेप नंबर इधर पे, स्टेप नंबर 1 अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, अमाउंट, एक मिनट, प्रोपोर्शनेट, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्टेप 1। अब आप बोलेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्टेप 1 क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप लिख लो बस इतना। स्टेप नंबर 3 अमाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। ओके, इतना लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, इसमें पहले केस में तीन स्टेप है, दूसरे केस में चार स्टेप है। ओके, तो अभी सिर्फ आप इतना समझो बच्चों कि रीइश्यू की एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड शेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जितने कम में बेच रहे हो, लेकिन वो जो आपको पहले फोरफिटेड शेयर अकाउंट में लेके उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। टू शेयर कैपिटल, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर फेस वैल्यू से कम पे जा रहा है, अरे भाई पहले पैसे उसने रिसीव कर चुका ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहा। अब उसके बाद यहां पे इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना लेके जाना है अमाउंट, वो अमाउंट अपन, ये दो सिनारियो, दो उसकी स्टेप है, इसकी अभी फिक्र मत करना, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। अब अपन शुरू करते क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 395। सो क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 395, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 395। ओके, अरे मिस्टर लॉन्ग वो वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100। तो मिस्टर लॉन्ग कोई था, उसने 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखा था, और एक शेयर कितने का था उसका, एक शेयर था उसका ₹100 का। ऑन विच ₹75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ₹25 पर शेयर। अब वो कहता है ऑन विच ₹75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, मतलब 100 में से कॉल्ड अप अभी कितना था, 75 ही अपन ने बुलाया था। मैं इसको लिख लेता हूं साथ साथ मेरे, तो फेस वैल्यू पे इश्यू हो रहा है ना, यस, तो यहां पे फेस वैल्यू थी उसकी ₹100, ओके, यहां पे एप्लीकेशन पे पैसा जो आया, एप्लीकेशन पे कितने, मिस्टर लॉन्ग होल्ड, मिस्टर लॉन्ग वो वॉज द होल्डर ऑफ रुपीज टू ऑफ सॉरी नॉट नॉट रुपीज ऑफ 2000 शेयर प्रेफरेंस शेयर
ऑफ रुपीज ऑन विच रुपीज 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, 100 में 75 रुपीज बुलाए, कुड नॉट पे ड्यू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ईच एट रुपीज 25, मतलब 25 रुपए है ईच, मतलब अलॉटमेंट पे 25, कॉल पे 25 उसने नहीं दिया। अब यहां पे मैं लिख लू पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल। अब बच्चे यहां पे उसने 25 रुपए जो 25 रुपीज अलॉटमेंट के थे ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने बुलाए लेकिन उसने अपने को दिया नहीं। कौन से क्वेश्चन में कह रहे बुलाया लेकिन दिया नहीं, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। सो ड्यू बट नॉट रिसीव, वैसे ही फर्स्ट कॉल का उसने कहा ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, इस पे भी 25 था ठीक है। और उसने आपसे कहा यहां पे ओके, तो उसने कहता है कि ई जो 25 रुपए उस पर नहीं दिया। अब यहां पे कहते हैं कि पूरे टोटल बुलाए हुए कितने थे, बेसिक है 75 रुपीज बुलाए, तो 75 में से ये 25 अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल उसने 25 नहीं दिया, मतलब 25 इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना है 25। अरे भाई 75 में से उसने बोला 75 कॉल्ड अप है, ये अब फर्स्ट कॉल तक बुलाया उसने क्वेश्चन में बोला, तो 75 कॉल्ड अप, इसके 25 के 25 नहीं दिया तो ऑब्वियसली 25 ही होगा ना, ये भी तभी तो 75 टोटल होगा। तो यहां पे ये पैसा आपको रिसीव्ड हो गया और यहां पे जो बैलेंस आ रहा है आपका फाइनल कॉल पे भी 25 का नॉट येट ड्यू, ये अभी तक के ड्यू नहीं हुआ है। और वो कहता है अपने आगे द डायरेक्टर फोरफीट अबो शेयर एंड रीइश्यू, अब उसने फर्स्ट कॉल के बाद उसको क्या करा बेटा फोरफीट करा, डायरेक्टर ऐसा नहीं बोला कि फाइनल कॉल भी बुलाया उसने, फर्स्ट कॉल बोला तो डायरेक्टर फोरफीटेड अबो शेयर एंड रीइश्यू, अब यहां पे उसने इसे फोरफीट करा, यहां पे फर्स्ट कॉल के बाद उसने यहां पे फोरफीचर ऑफ शेयर, ऐसा नहीं कि फाइनल कॉल भी बुलाया, इसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर ला। अब उसको रीइश्यू करा, रीइश्यू 1500 ऑफ शेयर, अब बताओ शेयर्स कितने फोरफीट किए, कितने शेयर्स थे बेटा वो 2000 थे, रीइश्यू कितने किया 1500, तो 1500 किया, किस प्राइस में किया, तो मिस्टर शॉर्ट करके कोई शेयर नया शेयर होल्डर 65 रुपीज में किया, एट रुपीज 65 रुपीज, तो 65 रुपीज में उसने किया, शेयर्स पेड अप एज रुपीज 75 पर शेयर ठीक है। अब ध्यान से समझना इसकी, अपने को एंट्री कौन सी पूछा उसने, गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अब फोर फीचर रीइश्यू की, तो फोर फीचर की तो आप पहले कर सकते, फिर रीइश्यू की मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। लिखो जर्नल ओके, इसको ड्रॉ करेंगे अराउंड हाफ पेज, तो पहले अपन किसकी एंट्री पास करें, फोर फीचर की, तो मैं लिख देता हूं फोर फीचर, और फोर फीचर की एंट्री आपने प्रीवियस सेशन में पढ़े बेटा। तो सबसे पहले अपन शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो यहां पे पहली चीज शेयर प्रेफरेंस शेयर पे जो आप फोर फीट करें, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो डोंट टेल मी के फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप इज 100 नहीं है, आपने फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप यहां पे ऑलरेडी बोला है, कितने का बोला है 75 रुपीज ही आपका कॉल्ड अप था, तो यहां पे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप 75 रुपीज। तो पहले फोर फीचर की 2000 शेयर फोर फीट करें, रीइश्यू 1500 करो, उसके बाद में बात करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स जो कि 75 रुपीज का एक, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 75 वो आ रहा है आपका 1,50,000 फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। टू
अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, या अमाउंट जो रिसीव हो गई वो एप्लीकेशन के आपको रिसीव हो गए, जिसको कहां ट्रांसफर करते, फोरफीटेड शेयर, फिर इसको अपने को वापस देने शेयर होगा, नहीं 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 अपने हो गए वो, ठीक है। सो फोरफीटेड शेयर अकाउंट, दो हजार शेयर्स जो कि ₹25, ये आ जाएगा आपका ₹50,000, और अलॉटमेंट पे और कॉल के पैसे जो कि बुलाया और नहीं था, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट, या शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल एक ही चीज है, अलग अलग नाम से बोल रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दो हजार शेयर, 25 प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट, ₹50,000। सो ये क्या चीज थी यहां पे, ये जो 25 जो था आपका, व्हाट इज दिस, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, और ये जो 25 था अमाउंट रिसीव्ड, और ये जो दोनों है दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। अब ये फोरफीचर की एंट्री पास किया आपने, बींग 2000 शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट, ओके। तो 2000 शेयर्स आपने फोरफीट करे, अब आज आपको सिखाएं रीइश्यू ऑफ शेयर, इसके बाद एंट्री पास हो रही है आपकी रीइश्यू की। अब आपने वो शेयर्स को इश्यू करे बच्चों, तो कितने का शेयर्स थे, 75 ₹100 की था, लेकिन उसने देखो इस चीज को सेंटेंस को अच्छे समझना, इसमें गड़बड़ करते बच्चे। वो कहता है कि द डायरेक्टर फोरफिटेड द अबो शेयर एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर शॉर्ट, तो मिस्टर शॉर्ट कोई शेयर होल्डर था, उसको आपने 1500 रीइश्यू करे, 2000 में से 1500 एट ₹65, शेयर्स पेड अभी 75, मतलब ₹75 आपने पुराने शेयर होल्डर से बुलाए थे, तो इसको आप 75 का 65 में दे रहे। तो अब बोलेंगे सर शेयर की फेस वैल्यू तो ₹100, तो वो ₹25 का क्या, आप तो इसको यहाँ पे पेड अप 75 ही करें, हाँ पेड अप 75 बेटा, बच्चे में 25 जब दूसरे शेयर होल्डर्स को भी नहीं बुलाया, उनसे बुलाऊंगा, तो नए जिसको रीइश्यू करें इससे भी बुलाऊंगा, अभी दूसरों से 75 का हिसाब किताब हुआ, इससे भी 75, 75 से दूसरों से हिसाब किताब हुआ, इससे भी 75 का हिसाब किताब अभी अपन कर रहे हैं। तो 75 की चीज को अपन ऐसा, अभी कितने में दे रहे, 65, अब सर डिस्काउंट में ₹10 अलाउ नहीं, अरे मैंने क्यों नहीं अलाउ है, आपने ₹10 के डिस्काउंट पे दे रहे, आपने तो ₹25 पहले रिकवर करे अगले से, तो आप 25 तक डिस्काउंट दे सकते, तो आप एंट्री यहां पास करेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट 1500 शेयर्स ₹65 आए, 1500 मल्टीप्लाई बाय 65 97,500। अब आपने ₹10 का डिस्काउंट दिया, वो किसमें एडजस्ट करें, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में, ठीक है। तो वो फायदा था आपका वहां पे, जो आपके पास पैसा आ गया जो वापस नहीं करना था, अभी कम कीमत पे दे रहे, नुकसान है, तो ये नुकसान को फायदे के अगेंस्ट में एडजस्ट करते। सो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्काउंट, ₹10 का, तो ये आएगा 15,000 आपने शेयर्स इश्यू करे, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹75, तो ये आया आपका ₹1,12,500, बीइंग
1500 शेयर्स रीशूड एट रुपीज 65 पर शेयर, पेड अप एज रुपीज 75। ओके, अब जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस है, अब मैं यहां पे समझाने के लिए मैं कहता हूं कि यहां पे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ये बेटा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, तो आपने उसको पहले क्रेडिट करे थे। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को आपने क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। कितने अमाउंट से किए थे आपने उसको क्रेडिट करे थे, 50,000 से। तो यहां पे आपने से 50,000 रुपए से क्रेडिट करे और अभी डेबिट करे आपने 15,000 रुपए से। तो क्या मैं इस बैलेंस को, अब जो बैलेंस आ रहा है 35,000, 50 क्रेडिट का 15 डेबिट करे तो 35,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है, तो क्या ये 35,000 रुपीज बैलेंस को कैन आई ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व? द आंसर इज नो। अब कैसी बात करो, अभी सीखा आपने, हाँ कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे लेकिन पूरे 35,000 नहीं करेंगे। अब आप सोचो क्यों मैं कह रहा हूं कि पूरे 35,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसका लॉजिक ये कि आपने शेयर्स भी पूरे रीइश्यू नहीं करे, आपने 2000 शेयर्स जो फोरफिट करे थे उन 2000 शेयर्स में से आपने कितने शेयर्स को रीइश्यू करे बेटा, आपने सिर्फ 1500 शेयर्स रीइश्यू करे। तो आगे चल के भी जो आप रीइश्यू करोगे ना, 500 शेयर्स बचे हैं ना, 2000 में से आपने 1500 रीइश्यू करे, तो अगर आपने 2000 में से 1500 रीइश्यू करे तो 500 भी तो रीइश्यू करना बचा है। तो जब आगे 500 रीइश्यू करेंगे उसको भी तो कम कीमत पे दोगे ना आप, हो सकता है उसको भी कम कीमत पे दो। जब उसको आप कम कीमत पे दोगे तो उसको भी तो आप फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, बात तो सही है। और अगर मैं पूरा का पूरा बैलेंस फोरफिटेड शेयर्स का अगर अभी मैं ट्रांसफर कर दूं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए जब आप पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करते तो आपको ये वाले चार स्टेप यहां पे, ये ऐसा रहता है, चार स्टेप्स आपको फॉलो करना, बड़ी सिंपल है बेटा। आप पहले एंट्री लिखो, ये बैलेंस की अमाउंट में बता दो, अमाउंट में बता दो, यहां पे लिखो ये आप फोरफिटेड शेयर्स को डेबिट कर रहे हैं टू कैपिटल रिजर्व, यहां से ट्रांसफर को, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं कर रहे हैं आप। ये जो आपका यहां पे फोरफिटेड शेयर्स के यहां पे जो कितना अमाउंट करना है वो मैं बताऊंगा, इसको आप ट्रांसफर कर रहे कैपिटल रिजर्व में, कितना अमाउंट करना है वो अपन डिस्कस करें। तो एंट्री होंगी लेकिन आपकी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसमें मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने कैलकुलेट करेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, ये आपका पैसा बच गया ना, जो पहले का प्रॉफिट था नुकसान को एडजस्ट करे बाद जो बच गया, ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व लेकिन पूरा नहीं कर रहे क्योंकि पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे, तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 1500 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस पे मैं आपको वर्किंग नोट बना देता हूं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, बस सिंपल तरीका है जैसे आपको मैं सिखा रहा हूं ना, आपने हर क्वेश्चन में वैसे ही बनाना, आराम से आंसर आ जाएगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपके जो जितने चैप्टर्स है ना उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा ये कंपनीज अकाउंट, सबको डिफिकल्ट लगता है, सिंपल है कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, नेक्स्ट पेज में बना लूं, यहां पे जगह कम है, ठीक है नेक्स्ट पेज में बना लेता हूं वर्किंग नोट। नंबर 1, अमाउंट, ओके अमाउंट आपको अपने क्या कैलकुलेटर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओके। सो यहां पे कौन सा आएंगे, ए वाला कैट ए बी, अपन उसका नाम ए वाला के बी बी वाला, ए वाले में जब पूरे शेयर्स रीइश्यू करो तो 3 स्टेप और अगर पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे तो 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, वैसे स्टेप मैं उसको नाम देता हूं, मैंने उसको बनाया लेकिन आप उसको
लिख सकते हैं यहां पे इस तरीके से अमाउंट, अपने स्टेप नंबर वन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप नंबर वन या वन टू थ्री फोर ऐसा उसको लिख देना। वैल्यूअर बोलेंगे स्टेप्स कहां से लाए इन लोगों ने, ठीक है, तो इसका आप ऐसे नाम दे देना। फर्स्ट पॉइंट स्टेप वन है अपने अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सॉरी नॉट कैपिटल रिजर्व, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। सो कितना अमाउंट क्रेडिट किए थे आपने बच्चों? आपने किए थे 50,000 रुपए क्रेडिट, तो यहां पे आप लिखेंगे 50,000। देन सेकेंड स्टेप प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर 1,500 शेयर्स। सो यहां पे आपने अगर 50,000 रुपए अगर 2,000 शेयर्स के लिए, तो 1,500 शेयर्स के लिए कितना 50,000, स्टेप नंबर वन में जो 50,000 रुपए लिखे ना वो है 50,000, अगर 2,000 शेयर के लिए तो 1,500 शेयर्स के लिए कितना, दैट्स कम 37,500। थर्ड आपका अमाउंट डेबिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ द री इश्यू। तो आपने कितना आपने डेबिट किए थे यहां पे? आपने डेबिट कर दे 15,000 ना 15,000। फोर्थ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट स्टेप टू माइनस स्टेप थ्री। तो स्टेप टू में आपने लिखे 37,500 माइनस 15,000 कहते 22,500। तो 22,500 अपने को ट्रांसफर कर, स्टेप याद आगे चार स्टेप जब आपने पूरे शेयर्स रेशियो दिए गए, ओके, अदरवाइज तीन स्टेप वो भी बताऊंगा, वैसा भी आ जाए पूरे शेयर्स आपने रेशियो कर दी तो क्या, ओके, तो 22,500 तो 22,500 आप लिख, इतना लिखे आपने, आप यहां पर लिख लेंगे 22,500 जो आपने फोरफीटेड शेयर्स का बैलेंस ट्रांसफर करे, कहां पे ट्रांसफर करे बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके डन खत्म, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तब अपन आज थोड़े से रीइश्यू पे प्रैक्टिस करें, फिर फुल फ्लेज वाले भी क्वेश्चंस आपके आएंगे बेटा, ठीक है। अब अपन आते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 2019 में भी पूछा, कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझते। अब थोड़े से यहाँ पे वो भी आना चाहिए, फोर्थ देखते अपन, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इशू फोरफीचर रीइशू सब रहेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच पेएबल एज रुपीज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 5 इंक्लूडिंग रुपीज 2 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज 4 पर शेयर ऑन कॉल वन बाय वन। तो वो कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 395 पेज नंबर 395। यहां पे फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, क्वेश्चन में कहा फेस वैल्यू 10 रुपए और उसने अभी कहा इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 2, मतलब 2 रुपए प्रीमियम भी है, 2 रुपए, तो आप इश्यू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपीज इशू प्राइस। अब इसमें पैसा किस तरीके से बुला रहा है वो अपन यहां पे देखेंगे, एप्लीकेशन पे कुछ एप्लीकेशन पे वो कहता है हमको रुपीज थ्री देखो यहां पे रुपीज थ्री ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग
रुपीज टू एस प्रीमियम, मतलब 5 में से 2 रुपए प्रीमियम है ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपए कॉल पे। ठीक है, मैं लिख लू पहले अलॉटमेंट ₹3 + ₹2, ये हुआ ₹5, टोटल 5 है, 2 रुपए प्रीमियम का फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और कॉल पे 4 रुपए, तो टोटल 12 हो रहा है कि नहीं, 3 और 5 8 और 4 12। यस, अब आगे कहता है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर राम। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने सारे शेयर्स आपने इश्यू करे, लोगों ने खरीद भी लिए, पैसा भी आने लगा, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, जैसे आई विल एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर, तो मिस्टर राम ने 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिए। किस पे? वो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब दो लोग थे यहां पे, मिस्टर राम एक थे जिन्होंने 500 शेयर होल्ड करके रखे, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, वो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। फिर मिस्टर श्याम के बारे में भी उन्होंने बात की, उसमें मैं आगे रीड करता हूं। तो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे 500 शेयर, तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं। सो मिस्टर राम, ठीक है, इन्होंने कितने शेयर्स थे बेटा, 500 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, जिन्होंने एप्लीकेशन का मनी तो पे करे, एप्लीकेशन मनी यहां पे इनके बारे में लिखा, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा पे करे, ये आपका ड्यू बट नॉट रिसीव, सॉरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये पैसा ड्यू तो हुआ था लेकिन हमको उनसे पैसा मिला नहीं। अरे स्क्रीन दिख रहा है, हाँ, और ये पेड से कंफ्यूज मत होना, उन्होंने पेड हमको करे, ठीक है, ऐसा किया तो आप बोले मेरे को रिसीव्ड हुआ करके, मिस्टर राम से अपने को रिसीव्ड हुआ, सेकंड ड्यू बट नॉट रिसीव, और यहां पर ड्यू उन्होंने बोले अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ, मतलब दोनों ड्यू हुआ, ड्यू बट नॉट रिसीव। अब आगे कहते हैं मिस्टर श्याम के बारे में, मिस्टर श्याम होल्डिंग 1000 शेयर, वो फेल टू पे द कॉल मनी। अब मिस्टर श्याम ने कॉल मनी अपने को नहीं दे पाए, उन्होंने कितने शेयर होल्ड कर दे 1000, तो यहां पे मिस्टर श्याम 1000 शेयर, तो ये रिसीव्ड हुआ, ये भी रिसीव्ड हुआ, और ये जो था आपका ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब यहां पे आगे कहता हूं ऑल दो 1500 शेयर्स वेर फोरफिटेड, तो 1500 शेयर्स पूरे आपने फोरफिट कर, 1500 शेयर्स कैसे, यहां पे देखो 1000, ये 500 और 1000, तो ये 1500 शेयर्स, ये पूरे 1500 शेयर्स आपने क्या करे फोरफिट कर ली, ठीक है, 1500 शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। और आगे अब कहता है फॉर ऑल दो 1500 शेयर फोरफिटेड ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1250 इंक्लूडिंग द शेयर होल शेयर्स ऑफ इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर वे सब्सिक्वेंटली टू रीइश्यू टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर पास द नेसेसरी गारंटीज इन द बुक्स ऑफ इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड अ फोरफिटेड रीइश्यू ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वन बाय वन। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब इसने ये जो 1500 शेयर्स थे, इन 1500 शेयर्स में से उसने पूरे रीइश्यू नहीं करा, ये 1500 फोरफिटेड शेयर्स में से उसने रीइश्यू किया 1250 शेयर, कितने शेयर्स रीइश्यू किया बच्चों, 1250 शेयर्स उसने क्या किया बेटे, रीइश्यू किया। अभी जब रीइश्यू किया तो किसके शेयर्स रीइश्यू किया, क्योंकि यहां पर मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, मिस्टर राम के थे 500 शेयर जो हमने फोरफिट किए थे, और मिस्टर श्याम के थे हमारे 1000 शेयर जो हमने फोरफिट किए थे, तो वैसे तो 1500 टोटल, लेकिन 1500 पूरे रीइश्यू नहीं करे, हमने 1250 करे। जो आपने रीइश्यू करे इसमें मिस्टर राम के जो 500 शेयर्स थे, क्वेश्चन में उसने अपने से कहा मिस्टर राम के जो 500 शेयर्स थे वो आपने पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए, और रिमेनिंग किसके करे अपने, मिस्टर श्याम के, तो रिमेनिंग कितने होंगे 1250 - 500, तो ये आगे आपके 750 शेयर्स, तो 750 शेयर्स उसने क्या किया यहां पर श्याम के रीइश्यू किया। अब यहां पे 1250 में से 500 मिस्टर राम के, अब ऐसा क्यों का उसका भी रीजन मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाता है। तो मिस्टर राम के 1250 में से मिस्टर राम के जो थे पूरे 500 शेयर्स रीइश्यू करा, और मिस्टर श्याम के 1000 में से 750 रीइश्यू किया। उसने कहा ना यहां पर क्या कहा, उसने यहां पर कहा कि इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर, राम के पूरे शेयर आपने रीइश्यू करे, और जब इसको रीइश्यू करे डिस्काउंट पे,
तो आप यहाँ पे ₹2 का अपने डिस्काउंट दिए, ठीक है। अब अपने को एंट्रीज पास करना है, किसकी एंट्रीज पास करना है बेटा अपने को, यहाँ पर जो अपने को एंट्री पास करना है फोर फीचर की और रीइश्यू की एंट्री पास करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। हाँ, ओके, एक और चीज, यहाँ पे जब आपने रीइश्यू करे इसको तो इसकी फेस वैल्यू होगी कितने में रीइश्यू करे, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो शोर नहीं मचा, अरे सर 10 का 2 डिस्काउंट, अरे भाई पहले रिसीव भी तो किया ₹3 यहाँ पे, ये यहाँ पर ये 5, यहाँ पे ये पूरा 5 इसमें रिसीव किए वाले, ये वाले केस में, तो यहाँ पर उसने इतना रिसीव ज्यादा किया ना, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड जरा, उसने बैलेंस शीट भी पूछा, इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, इसको ड्रॉ कर लो अराउंड, एक पेज से थोड़ा सा कम लगना चाहिए मेरे ख्याल से स्पेस, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट, ओके ओके। सब आप सबसे पहले ये अपने को किसकी एंट्री पास करना है बेटा, अपने को एंट्री पास करना है फोर फीचर की, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ में फोर फीचर की एंट्री पास होगा, ध्यान से फोर फीचर, गड़बड़ नहीं होना, फोर फीचर की। अब आपने यहां पे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप है ना, तो आपने कितना बुलाए थे, आप इस एंट्री को अच्छे समझना, टोटल थे 1500 शेयर्स, टोटल कितने थे 500 और 1000, 1500 शेयर्स थे, कॉल्ड अप तो पूरा ही था, बुलाए तो आपने फेस वैल्यू, डोंट टेल मी ₹12, ये एंट्री सबसे खतरनाक है अभी जो मैं कर रहा हूं, अच्छे समझ समझ लोगे आप कुछ नहीं उसमें, तो 1500 शेयर से बेटा फेस वैल्यू की कितनी ₹10 जो पूरा का पूरा आपने बुलाए थे, तो आप यहां पे लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स और एक शेयर कितने का ₹10 का, तो टोटल हो गया फेस वैल्यू होगी ₹10, तो टोटल हो गया ₹15,000 फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड। अब गड़बड़ नहीं होना बिल्कुल। अब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस है, और थोड़ा सा अपने को ध्यान से, क्या प्रीमियम का पैसा अपने को मिला, तो अगर अपन यहां पे देखें तो प्रीमियम का पैसा मिला तो डेबिट नहीं करना है, तो यहां पे अपने को मिला हजार वाले शेयर, हजार शेयर पे अपने को प्रीमियम का पैसा मिला, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इस वाले केस में डेबिट करेंगे, नहीं, मगर यहां पे ड्यू बट नॉट रिसीव, यहां पैसा नहीं मिला बेटा ये वाले केस में सिक्योरिटी प्रीमियम, तो डेबिट करेंगे, तो कितने शेयर से 500 शेयर से प्रीमियम कितने का था ₹2 का, तो आप यहां पे लिखोगे सिक्योरिटीज, ये कल सिखाया था आपको जब फोर फ्यूचर पढ़ाया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो डेबिट नहीं करना है, अगर नहीं मिला तो डेबिट करना है, तो यहां पर आपको मिला है ये वाले केस में, इसको डेबिट नहीं करना है सिक्योरिटी, यहां पर नहीं मिला तो डेबिट करेंगे, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का अमाउंट है ₹2, तो ये कितना हो गया ₹1000 अप टू फोरफिटेड शेयर्स को मैं लिखता हूं बाद में, जो अमाउंट रिसीव उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और यू कैन जस्ट राइट इन शेयर अलॉटमेंट, वो भी चलेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो अब यहां पर अगर देखो अलॉटमेंट की बात करो, ड्यू बट नॉट रिसीव से ये वाला केस है 500 शेयर्स वाला, ये वाला नहीं, ये तो रिसीव्ड हुआ, तो ड्यू बट नॉट रिसीव 500 शेयर्स वाला, ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हुआ था, ड्यू 5 से ही हुआ था ₹5, तो आप यहां पे लिखोगे 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5, ये हो गया आपका 2500। टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो ड्यू बट नॉट रिसीव फाइनल कॉल पे देखो तो दोनों ड्यू बट नॉट रिसीव है चार रुपए मल्टीप्लाई बाय 1500 टोटल है दोनों का केस में 1500, सो 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 6000 रुपए। अब आप बोलेंगे सर बैलेंस टेंशन नहीं लेना, सीधा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, बात तो सही है, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, सीधा यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस डाल देना, तो मैं मगर अमाउंट कैसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखो 15000 प्लस 1000 माइनस 2500 माइनस 6000 तो ये आ गया 7500, मगर 7500 में आपको कैलकुलेट करके बता दो, ध्यान से आप मेरी बात सुनो, फोरफिटेड शेयर्स में आप कौन सी चीज लेके जाते हो जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। अब अपन पहले यहां पे मिस्टर राम की अगर अपन बात करें तो 500 शेयर्स थे बच्चों, यस सर 500 शेयर्स थे, रिसीव तो सिर्फ एप्लीकेशन का हुआ, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मिस्टर श्याम के केस में आता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा 500 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय रुपीज 3 जो कि एप्लीकेशन का पैसा आया बस, ठीक है, इसमें अपने को प्लस मिस्टर श्याम के कितने शेयर थे 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, अब कितना अमाउंट आया इनको, अब आप रिसीव्ड ये हुआ बेटे, ये हुआ कितने रुपए एप्लीकेशन का, कितने 3 रुपए एप्लीकेशन के 3 रुपए रिसीव्ड हुआ, और यहां पे रिसीव्ड हुआ 5। अब आप बोलेंगे 3 और 5 8 कर दो, मैंने आपको कल सिखाया था, आपको याद है, कुछ याद है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, सिखाया था आप लोगों को फॉर अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की बात चलती है, ठीक है, तो जो आपको रिसीव हुआ दैट रिसीव शुड बी अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो एप्लीकेशन का तो ठीक है ये 3 रुपए, यहां पे अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसकी अगर मैं बात करूं ये 3 और ये 3 6, इसको मत ले लेना, अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो अब आप यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय यहां पे रुपीज 6, तो ये 6 कैसे आया 3 प्लस 3, एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 6, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मत लेना, ठीक है, इसलिए रीजन ये कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ट्रिकी है, मिस्टर श्याम के सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने डेबिट करे नहीं क्योंकि अमाउंट रिसीव नहीं, जब डेबिट नहीं करते यहाँ पे फिर क्रेडिट में भी नहीं आता, ठीक है, एनीवेज याद रखना बस इतना से कि फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आप यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव हो उसको यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब इसको टोटल करो कितना, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 9000 टोटल हो गया, अरे 1500 मल्टीप्लाई ओ आई एम सॉरी 1000 शेयर्स थे मिस्टर श्याम के, 1000 थे ना टोटल आपका, वही तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, ठीक है, सो तो ये हो गया 6000 और 1500 7500, ओके याद रखना बेटे, यहां पे मैं लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट, ओके, तो अब आप यहां पे लिखो बीइंग फोरफीचर ऑफ 1500 इक्विटी शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी on 500 shares and for non-payment of call money on 1000 shares. Okay.
तो ये अपन ने किसकी एंट्री पास करे बेटा, फोर फीचर की। अब अपन किसकी एंट्री पास करेंगे, रीइश्यू की। अब रीइश्यू की एंट्री पास करेंगे। अब आपने कितने शेयर्स रीइश्यू करे 1500 में, 1250 एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2, तो पैसा आपको ₹8 तो आपने एंट्री पास करे। बैंक अकाउंट डेबिट 1250 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹8 तो कितना आएगा 10,000। डिस्काउंट का अमाउंट इसमें लिखेंगे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट 1250 शेयर, डिस्काउंट का अमाउंट है ₹2, यह आएगा आपका 2500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो आएगा आपका कितना आएगा 12500। Being profit on reissue transferred to being reissue of 1250 shares एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। अब आप इसको रीइश्यू करेंगे, अमाउंट अपन कैलकुलेट करेंगे तो रीइश्यू करेंगे, लेकिन एंट्री लिख देता हूं मैं, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये अपन अभी बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से ना इस चीज को आप समझेंगे बेटा, देखो पिछले मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कितना करे थे, आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे थे बच्चों 2250। तो उसमें कुछ बैलेंस था, उसमें जब भी बैलेंस हो गया 50,000 माइनस 15,000 माइनस 2250 तो 12,500 का बैलेंस उसमें था। क्यों आ रहा था बैलेंस, पूरा अमाउंट के लिए ट्रांसफर करते कि पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करते। बस वैसा ही केस यहां पर भी है कि पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे, अपन ने 1500 में से आपने 1250 रीइश्यू करे। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि 1250 मिस्टर राम के आपने जो 500 शेयर्स फोरफीट करते पूरे के पूरे रीइश्यू करे, और जो मिस्टर श्याम थे उनके पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे, 1000 में से 750। अब इसमें थोड़ा फर्क कैलकुलेशन में आ जाता है। अब ना वर्किंग नोट यहां पर अपन बनाते, यहां पर आप लिखोगे बच्चों वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of amount to be transferred, calculation of amount to be transferred to capital reserve account। अब यहां पे दो लोग हैं,
एक है मिस्टर राम जिनके कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, और जो आपने रीइशू करे बेटे, और जो दूसरे थे मिस्टर श्याम जिनके 750 शेयर आपने रीइशू करे। ध्यान से अब यहां पे फर्स्ट जो आपकी स्टेप आती दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो आपने टोटल अगर आप यहां पे देखो तो आपने कितने से क्रेडिट करते बेटा, एकदम ध्यान से कितने से क्रेडिट करे थे आपने, ये अमाउंट है टोटल। तो क्रेडिट 7500 से किए, लेकिन ये जो था ना आपका, ये था मिस्टर राम का और ये मिस्टर श्याम का, तो ये मिस्टर राम का था और ये मिस्टर श्याम के जो शेयर्स आपने, तो मिस्टर राम के इस केस में कितना आपने क्रेडिट करते, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इनका था 1500 और यहां पे था 6000 टोटल था आपका 7500। ठीक है, सेकेंड प्रपोर्शनेट। अब अगर देखा जाए ना तो मिस्टर राम के चार स्टेप है, एक सेकेंड यहां पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आपने मिस्टर राम के पूरे शेयर्स आपने रीइशू कर, तो स्टेप नंबर होता है प्रपोर्शनेट, उसका उतना ही रहेगा, वो लिख देता है तीन स्टेप है उसमें, उसके इसमें प्रपोर्शनेट उतना ही रहेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे 500 शेयर्स रीइशू करे, तो यहां पे मैं प्रपोर्शनेट लिख देता हूं, प्रपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, तो ये 1500 ही रहेगा, यहां पे फर्क आएगा, अगर 6000 रुपए 1000 शेयर्स थे इसके, तो 750 शेयर जो रीइशू करे उस पर कितना, लेट्स कम 4500, ये कितना आता 4500। ठीक है, वो क्यों 1500 लिखा, वो जरूरत नहीं थी प्रपोर्शनेट लिखने, लेकिन लिख क्यों, क्योंकि वो पूरे के पूरे रीइशू करे, लिख देता हूं तो बाद में बोलेंगे कहां से आया 1500, अगर 500 शेयर पे तो 500 रीइशू करे उस पर कितना 1500 ही आएगा। थर्ड अमाउंट डेबिटेड टू, अमाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू, एट द टाइम ऑफ रीइशू, तो 500 शेयर्स थे बेटे जो इसके रीइशू करे पूरे, और आपने डिस्काउंट दिए थे 2 रुपए का, यहां पे 750 शेयर से जो कि आपने डिस्काउंट दिए थे 2 रुपए का, तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 1000 रुपए और ये अमाउंट आ रहा है आपका 1500 रुपए। तो अब आपका यहां पे आ जाएगा स्टेप नंबर 4, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 माइनस पॉइंट नंबर 3 जो रहता है, तो 1500 माइनस 1000 ये आ रहा है आपका 500, और 4500 माइनस 1500 ये आ रहा है आपका 3000, तो टोटल होगा आपका कितना 3005। इस तरह आपको कैलकुलेट करना रहेगा, कब दो लोग थे ना मिस्टर राम और मिस्टर श्याम थे, तो ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, टोटल 3500, तो आप यहां पे लिखोगे 3500। ओके, डन। तो चार स्टेप ख्याल रखना, पहला अमाउंट आपने जो क्रेडिट करे, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड जो डेबिट करे, फोर्थ विल बी स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 अमाउंट आ जाएगा। इसको हमेशा ऐसे करना, कभी गलती नहीं होगी, हमेशा बराबर आंसर आएगा, थोड़े दो चार क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन कभी गलती उसमें होने वाली नहीं है बेटा। ओके, अब इस क्वेश्चन में उसने अपने से कहा है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने अपने से कहा है कि जर्नल एंट्रीज तो आपने फोरफीचर रीइशू कर, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब यहां ड्रॉ करो बैलेंस शीट, वैसे आपको ना फाउंडेशन लेवल पे बहुत बेसिक है कंपनीज अकाउंट के बारे, इंटर में तो पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शेड्यूल 3 में बहुत डिटेल पे, लेकिन बेसिक है यहाँ पे, तो अपने को आना चाहिए, एग्जामिनेशन में हो सकता आ जाए। ठीक है, अब यहां पे लिखो बैलेंस शीट ऑफ
ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड एज एट, अपडेट नहीं दिए। अब शेड्यूल थ्री के हिसाब से अपने को यहां पे ड्रॉ करना रहेगा बच्चों, इसको ज्यादा नहीं, 8-10 लाइन कैसे ड्रॉ करो जो मैंने अभी ड्रॉ किया। क्या कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, ये इनर कॉलम होता है और ये आउटर कॉलम। अब कंपनीज एक्ट में इसी तरह बैलेंस शीट बनती हो, आप इंटर में डिटेल में पढ़ो। लायबिलिटी साइड होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये वो आपका लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो उसमें एक आता है आप पढ़ोगे इंटर में शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर का जो रिलेटेड रहता है वो इस हेडिंग में लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड। और इसमें फिर दो आते ए और बी, एक होता है आपका शेयर कैपिटल कितना है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है और ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, और एक होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व्स आते, प्रॉफिट का बैलेंस अलग। जब आप प्रोप्राइटरशिप का आपने फाइनल अकाउंट अपने पढ़े अभी फाउंडेशन पे, तो जो नेट प्रॉफिट आता है बेटा वो कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट पे, याद है, नेट प्रॉफिट या कैपिटल में ऐड कर देते बैलेंस शीट पे। लेकिन यहां पे जो आपका प्रॉफिट आता है कंपनी के केस में वो कैपिटल में ऐड नहीं होता, वो एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस करके, वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखते आप। तो अब अलग अलग बहुत से रिजर्व होते हैं वहां पे, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, मगर रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते, जो भी मैं लिख रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस 1-2। तो नोट इसको क्या है, नोट 1-2 वो भी मैं बताता हूं, इतनी की टोटल करो अभी यहां पे। फिर आपका आता है एसेट साइन, तो उसमें तो वैसे बहुत हेडिंग होती है आप लोग की, लेकिन अभी सिर्फ करंट एसेट लिख रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में वही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से उसको बुलाया जाता है बैंक। लिखिए आपने इतना, ओके ध्यान से बच्चों। अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है ना, जैसे नोट्स टू अकाउंट इसने कहा, तो मैं हमारे डिटेल में आपको, नोट्स टू अकाउंट बेसिकली वो होता है बेटा जो डिटेल बताता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट यहां पे जो भी अपन लिखे उसकी डिटेल क्या है। तो अब यहां पर लिखो आप नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कम से कम 15 नंबर के लिए आएगा। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो जो शेयर कैपिटल ऊपर थे उसकी डिटेल अपन यहां पे लिखें। शेयर कैपिटल, ओके ठीक है, शेयर कैपिटल। अब आप यहां पे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल उसके अंडर में आता है फिर इश्यूड शेयर कैपिटल। अब अच्छे से समझना बेटा, अब कितने शेयर्स थे टोटल, जो क्वेश्चन उसने अपने से कहा कितने शेयर्स थे, टोटल शेयर्स जो थे आपके, टोटल शेयर्स थे आपके 30,000 शेयर्स थे, ठीक है, कितने शेयर्स थे 30,000 शेयर्स थे। अब उसमें से कुछ आपने जो कि इश्यू करते, अब आपने फोरफिट करे है ना, कॉल्ड अ फोरफिट हुए, तो उसके कम शेयर, क्योंकि आपने फोरफिट उसमें से ते किए थे 1500 फोरफीट किए थे, 1-5 दिन रीइश्यू करते, लेकिन इश्यूड जो थे आपने जो ऑफर दिए थे वो तो 30,000 ही थे, तो पहले उसको आप लिख लेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच
तो ये होगा आपके 3 लाख, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 3 लाख। लेकिन यहां पे एक्चुअल में लोगों ने कितना लिया बेटे, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अब इसको अच्छे से समझना, पेड अप कैपिटल। अब देखो यहां पे ये पेड अप कैपिटल, अब देखो यहां पे 30,000 शेयर्स थे, उसमें से आपने 1500 शेयर्स फोर फीचर हुआ तो उतने कम हो गए। फिर आपने 1250 शेयर्स रीशू कर तो वापस आ गए, तो एक्चुअल में कितने हो गए, 30,000 माइनस 1500 शेयर प्लस 1250 तो ये आ रहे 29,750 शेयर्स। तो यहां पे ओके, तो यहां पे 29,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 2,97,500। समझ में आया 29,750 शेयर्स कैसे है बच्चों, 30,000 टोटल शेयर्स थे क्वेश्चन में दिए, उसमें से फोरफीट करे 1500, वापस से रीशू करे 1250 तो आ गया 29,750। अब आप बोलिए ठीक है इतना लिख दो शेयर कैपिटल, लेकिन आपका शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट का, जो आपका फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस होता है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको भी शेयर कैपिटल में ही शो करा जाता है। तो इसीलिए मैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस देखो कितना है बच्चों, फोरफिटेड शेयर अकाउंट अगर आप देखो तो पहले आपने यहां पे उसको क्रेडिट करे 7,500 से, फिर आपने यहां पे डेबिट करे 3,500 से, तो 7,000 आपने और यहां पर भी डेबिट करे हुए रीशू के वक्त भी करे, यस आपने डेबिट करे यहां पर 2,500 से, तो 7,500 से क्रेडिट हुआ, फिर 2,500 से डेबिट हुआ, फिर 3,500 से डेबिट हुआ, तो बैलेंस कितना आ रहा है इसका, 7,500 माइनस 2,500 माइनस 3,500 वो आ रहा है 1,500। तो ये 1,500 बैलेंस जो आपका किसका आ रहा है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का ये बैलेंस है बच्चों, ठीक है बैलेंस। अभी 1,500 रुपए बैलेंस भी शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट का वो कहता है कि शेयर कैपिटल में फोरफिटेड का भी बताना रहेगा बैलेंस, तो यहां पर आप लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कितना आ रहा है 1,500 रुपए, तो ये जो टोटल आएंगी आपकी इसको लिखना होता है, वो 3 लाख मत लिख देना, वो तो आपने ऑफर किया, एक्चुअल में मार्केट में कितने लोगों ने लिए 2,97,500 प्लस 1,500 2,99,000 ओके। अब ये अमाउंट हो गया बेटा आपका कौन सा शेयर कैपिटल, तो आप यहां पे नोट नंबर 1 में लिख लो 2,99,000 ओके। अब आपका नोट 2 कौन सा है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप यहां पे लिखो नोट नंबर 2, तो रिजर्व एंड सरप्लस ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में आपका देखो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस चीज ख्याल रखना पड़े, जो भी रिजर्व होते, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको थोड़ा सा आइडिया दे दू, फाउंडेशन में आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, एडवांस है चीज, बट यू डोंट हैव टू वरी, बेसिक आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके आता है बेटा जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम करके एक चीज आपने अभी क्वेश्चन में आपने देखे, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आता है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आपके ऐसे तो बहुत चीजें आती है जो आपके लिए भी रेलेवेंट है, वो बात करो इसमें, कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर जो मैंने एंट्रीज पास किया हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को अगर आप यहां पे देखे, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका यहां पे क्वेश्चन तो दोहरा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपने डेबिट करे 1,000 रुपए से, इसको 1,000 रुपए से डेबिट करे, एक चीज ख्याल रखना, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल जो है वो कौन सी साइड में लिखते बैलेंस शीट के, लाइबिलिटी साइड में लिखते, कौन सी साइड में लिखते बैलेंस शीट के, लाइबिलिटी साइड में लिखते, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लिख रहे हो बेटा,
तो यहां पे उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब यहां पर आप बोलेंगे पहले यहां पे लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 1000 रुपए से डेबिट करे तो उतने से कम हुआ है वो, तो यहां पे आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पहले से कुछ बैलेंस अपने को दिया नहीं, लेकिन अपन निकाल सकते 30,000 शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए थे, 30,000 शेयर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मार्केट में आपने इशू करे थे जो कि आपने 2 रुपए प्रीमियम था, 2 रुपए क्या था बेटा प्रीमियम था, तो यहां पे 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 2, 2 रुपए प्रीमियम था, तो आता है आपका 60,000 रुपए। कितना आता है 60,000 रुपए माइनस जो आपने अभी 1000 रुपए से डेबिट करे, तो ये क्रेडिट करना है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है क्रेडिट है, ये क्या हुआ था डेबिट, ये था बच्चों समझाने लिख रहा हूं अभी मैं, ये था क्रेडिट और ये है डेबिट किया आपने। तो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आप प्रीमियम पे इश्यू करते थे, इफ यू रिमेंबर अलॉटमेंट का जब ड्यू होता है उसमें प्रीमियम रहा, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम बच्चों क्या करते क्रेडिट करते, तो ये 30,000 शेयर इश्यू कर थे आपने 2 रुपए प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने 60,000 से क्रेडिट करा, अभी आपने डेबिट करे 1000 से, तो यहां पर ये आउटर कॉलम पे आ जाएगा आपका 59,000। दूसरा जो आपका आपका कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व को अगर आप देखो वो कैपिटल रिजर्व में कितना है आपका, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में आपने यहां पे क्रेडिट करे कैपिटल रिजर्व को कितना 3,500 से, ठीक है, तो यहां पे लिखो कैपिटल रिजर्व 3,500 उसमें आपने अभी लिखी, तो ये टोटल आ गई आपकी 59,000 प्लस 3,500 62,500, तो 62,500 आपका आ जाएगा रिजर्व है सरप्लस में, तो यहां पे लिखो 62,500 और ये होती है टोटल आपकी शेयर होल्डर्स फंड, मतलब लाइबिलिटी साइड में 299 प्लस 62,500 दैट्स कम 3,61,500 ओके, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड की टोटल 3,61,500। अब एसेट साइड में कौन से बैंक है, अभी शेयर कैपिटल ये सब अकाउंट से ना कंफ्यूज नहीं होना, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ये जो है जिस पर टिक नहीं है अभी, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपने जो यहां पर जो इफेक्ट दिए ना ये पूरे 29,750 शेयर्स का ही दिए, बराबर एडजस्टमेंट हो चुका उसका, उसकी फिकर मत करना, ये फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस बराबर इसमें आ चुका, उसकी फिक्र मत करना, शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट जो वहां लिखा हुआ। अब पैसा कितना है बेटा, पैसा देखो बैंक अपने पास ही 10,000 रुपए का बैलेंस यहां पर है आपका 10,000 रुपीज का, और आपने पहले शेयर इश्यू करे हुए तो जब भी आपको पैसा आया होगा तो दैट विल कम 361,500, ठीक है, तो एक सेकेंड पहले आप ये लिखो 3,61,500 ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप ऐसे बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकाउंट बैलेंस शीट टैली होती है एसेट और लायबिलिटी साइड की, लेकिन इसको इंस्टीट्यूट ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ 3,61,500 लिखे आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लिखे 3,61,500, लेकिन आप 3,61,500 थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 3,61,500 कैसे, आप उसके बस ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो भी परफेक्टली फाइन, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा कैसे आया, किसी को ऐसा रहता है ना कैसे आया 3,61,500 बैंक में बैलेंस बताओ, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है खत्म हो गया बेटा, ठीक है, उसको जस्ट आपकी लायबिलिटी साइड की टोटल इसको एसेट साइड से मैच होती है तो आपने उसको लिख दिया एसेट 3,61,500, लेकिन कैसे है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो टोटल 30,000 शेयर्स थे आपके पास, उसमें से 28,500 शेयर्स की पहले बात करते हो 1,500 आपने फोरफिट करके रीइश्यू करे थे, इस पे पूरे पैसे 12 रुपए आपके पास आए, तो 28,500 मल्टीप्लाई बाय 12 ये होता आपके 3,42,000 हुए थे, ठीक है। अब जो वो 1,500 शेयर्स थे, 1500 शेयर्स पे आपके पास आपने कितना रिसीव हुआ था बच्चों, आपको 1500 शेयर्स पे रिसीव हुआ था आपको 7,500, यहाँ पे आपने लिखे थे 7,500, तो 1500 शेयर्स जो थे आपको, मैं अमाउंट लिख लेता हूं यहाँ पे, ये फोरफीटेड वाले शेयर्स थे, फोरफीटेड वाले जो शेयर्स थे उस पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ था 7,500। अब याद रखना ये 7,500 पे कंफ्यूज मत होना बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता, बोला था ये 6 रुपए में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं था बेटा, तो आपने जो यहां पर जब एनालाइज किए थे आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ था मिस्टर श्याम के केस में, 1000 शेयर थे 2 रुपए, ये वो फोरफिटेड शेयर्स में नहीं आया बेटा, जो अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स पे एक अगर देखा जाए तो उसपे जो फोरफिटेड शेयर्स पे जो अमाउंट आया ना इस तरीके से आया आपको,
एक आपको 7,500 आया था जो अदर देन आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का वो 2000 था, क्योंकि 7,500 में 2000 नहीं लेते, 2000 कैसे है आपका, 1000 शेयर जो शाम के थे सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, वो नहीं आया था 7,500, ठीक है वो। उसके बाद आपने अभी रीइश्यू करे, तो रीइश्यू करते वक्त आपको आए 10,000 रुपए, आपने लिखे हुए एंट्री में 10,000 रुपए, 10,000। अब इसकी टोटल करो, 10,000 टोटल करो, 3,42,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 10,000 ग्यारह 361,500। अब आपको ना इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती, मतलब वो तो उन्होंने तो सिर्फ लिख के रख दिए बेटा 361,500, फाउंडेशन के हिसाब से थोड़ा सा हैवी भी है, 361,500 आपने यहाँ पे लिख दी, लिख देना कोई इंस्टीट्यूट ऐसे लिख दी थी, लेकिन कैसे आया आप, मेरे को तो क्यूरियोसिटी रहती है क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, कैसे आया होगा, तो वो बताया मैंने कि भैया ये नॉर्मल जो शेयर थे ये 28,500 में से 1500 फोरफीट के, तो पहले उसकी बात की, उस पर बराबर 12 रुपए आपके आए, फिर जो आपके फोरफीटेड शेयर्स थे उस पर 7,500 प्रीमियम का आपको 2,000 रुपए आया था, फिर आपने रीइश्यू करते वक्त 10,000 आया था, टोटल आपका 3,600 इतना अमाउंट ये हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बेटा, हमने रीइश्यू ऑफ शेयर्स का डिस्कशन थी, क्वेश्चन के अब नेक्स्ट स्टेप थे क्वेश्चन ही करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना, मैंने जो आपको एक होमवर्क दिया था पिछले सेशन में, क्वेश्चन नंबर 4th जो मैंने आपको दिया था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th जो मैंने आपको दिया था, सो उसी की तरह ना ये हमारा जो क्लास का क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा जो उसी की तरह है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ वैसे सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट अलग है, ठीक है। वो आप आज जो अब आपने रीइश्यू पे कर लिए थोड़ा सा, तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। सो जस्ट वन मिनट ओके। तो क्या इससे देखो मेरे को आइडिया आती है, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो क्या, यस अब कर सकते हो बेटा, ये रीइश्यू वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, 6 भी होमवर्क है, ये भी रीइश्यू वाला है ना, आउट ऑफ द 20 शेयर रीइश्यू था ये, क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क, ठीक है। 8 भी कर सकते हो क्या आप लोग, ओके थर्ड फोर्थ दिया, थर्ड दिया जो भी दिया, थर्ड था आई थिंक, फिर उसके 6th है, 7th होमवर्क है, 8th भी कर सकते हो, ठीक है 8th भी होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 7th होमवर्क, 8th होमवर्क और 6th होमवर्क, 6, 7, 8 होमवर्क, और उसके साथ यहाँ पे मैंने कौन सा दिया, क्वेश्चन 3 दिया 4 दिया ख्याल नहीं मुझे, ठीक है जो भी होमवर्क दिया आपको यहाँ पे, आई थिंक 3 जो भी रह गया था वाला होमवर्क, आप अभी तो वैसे ही किया ना अपने, अरे ये तो वैसे ही किया अपन यहाँ पे, 75 पेड अप था, चलो ठीक है ये होमवर्क दिया, सेम क्वेश्चन अपन मिस्टर हेलो वाला जो है ना ये होमवर्क दिया हुआ शायद, अभी ऐसे ही क्वेश्चन अभी अपने क्लास में करें, ठीक है। तो ये सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, जो होमवर्क दिया आपको कर लेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना रहेगा, डन ओके। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय।